हाय स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है जैकपॉट प्रोवाइड करने वाला हूँ। पूरा क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस ए टू जेड, मतलब बोर्ड्स प्लस JEE, नीट, मेंस, एडवांस, एम्स, जो भी है, ए टू जेड पूरा सिलेबस क्लास ट्वेल्थ का मैं आप लोगों को जो है इस साल यूट्यूब पर देने वाला हूँ बच्चों। तो इस सफ़र में जो है बच्चों आप लोग जुड़ जाओ, आप लोगों को मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस हैं। माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी दी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और यू कैन से अ पाथ ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज would move. If it is free to do so. अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो जिस पाथ पे मूव करेगा उसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सपोज प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, इसके बाजू में आप लोग जो है प्लस वन कूलम चार्ज रख दो, तो ये प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो प्लस चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ, तो इसका जो पाथ होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ड्यू टू दिस प्लस चार्ज। अगर हम प्लस वन चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो उसका जो पाथ होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार से आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड्स। इसको हम लोग कहते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब है अलोंग द रेडियस, ठीक है। ये अगर स्फीयर है तो ये जो फील्ड लाइन्स है वो उसके रेडियस के अलोंग बाहर निकलेगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर अ नेगेटिव चार्ज, अगर हम लोग जो है प्लस वन चार्ज को रखेंगे फ्रीली यहाँ पर, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी अंदर की तरफ होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्ड्स हैं ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज होना चाहिए, इनके आजू बाजू में कोई भी मेटल या दूसरा कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जैसे बाहर की तरफ होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्लस चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, या यूं कह सकते हो कि इनफाइनाइट से भी ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में अंदर आ रही है, तो आ कहाँ से रही है, ये इनफाइनाइट से, तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट एंड एंड ये ख़त्म कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे हो रही है, और अगर यहाँ से निकल रही है प्लस में से, तो ये कहाँ पे जा रही है, इनफाइनाइट पे, तो या तो इनफाइनाइट पे ख़त्म होगी या नेगेटिव चार्ज पे, तो एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज और इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए प्रॉपर्टी थी और ये उसका डेफिनेशन है। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, और वो ये है कि अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग जो है डिटेल में देखते हैं अभी नेक्स्ट शीट में। स्टूडेंट्स, अगर हमें जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा उसको अगर हमको समझना है, तो उसके लिए हम लोग जो है थोड़े कर्व्ड लाइंस बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये एक प्लस चार्ज है,
और ये माइनस चार्ज है, इसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव में से बाहर निकलती है और या तो नेगेटिव में जाएगी या इन्फाइनेट में जाएगी, तो वो इन्फाइनेट में जाना पसंद नहीं करेगी अगर बाजू में नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस से निकल के माइनस में एंड हो जाएगी इस प्रकार से। नेगेटिव में आप लोग एरो जो है वो अंदर की तरफ बता सकते हो और पॉजिटिव में एरो बाहर की तरफ। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है डायपोल लिख सकते हैं और डायपोल को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर दोनों चार्जेस सेम है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो हमें पता है कि जब दोनों चार्जेस सेम होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो सेंटर में होगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस प्रकार से होगी, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे होगी। आप लोगों को ये वाली लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो दो अगर चार्ज पॉजिटिव हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पे होगा, और दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है तो भी न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पे होगा, बस ये जो एरोज हैं डायरेक्शन है अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और फिर हम लोग उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज का भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट अगर हम बनाएंगे किसी पॉइंट पे तो वो नेट डायरेक्शन देगा। तो सपोज़ मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब टेंजेंट हमें इस एरो के डायरेक्शन में बनाना है, हम इस साइड टेंजेंट नहीं बना सकते, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस डायरेक्शन में। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि स्टेटमेंट कहा था। हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे है। तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी बाहर की तरफ, तो आप ऐसे बना दोगे। ठीक है, और माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, उसको आप ऐसे बना दोगे टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव इधर है, तो जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, और वो हमें कैसे मिलती है जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट होती है तो वहाँ पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, और दो टेंजेंट्स मतलब दो डायरेक्शन होंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, दो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट।
बच्चों अगर मान लो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो आपको स्टेटमेंट लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, मतलब आप एक एरिया बनाओ, ठीक है, सेम एरिया आपने यहाँ बनाया, सेम एरिया आप यहाँ बनाओ, ठीक है, और सेम एरिया आप और दूर जाओगे वहाँ बनाओगे, तो आप देख सकते हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे सिर्फ चार बनाई, आप और भी ज़्यादा बना सकते हो जिससे जो है थोड़ा पिक्चर ढंग से हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनिशियली ज़्यादा होगी ऐसे, ठीक है, और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है पर यूनिट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए इज़ ग्रेटर दैन एट बी इज़ ग्रेटर दैन एट सी, ठीक है। तो ध्यान रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया विल गिव द स्ट्रेंथ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं किसी भी चार्ज में से कितनी निकलेगी वो डिपेंड करता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। अगर चार्ज 1 कूलम्ब है तो उसमें से अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है तो 2 कूलम्ब में 20 निकलेगी, 3 कूलम्ब में 30 निकलेगी। तो इस प्रकार से वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। -1 कूलम्ब है तो उसमें जो है 10 अंदर जाएगी, -2 कूलम्ब है तो उसमें 20 अंदर जाएगी, ठीक है। तो और अगर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट लगाना, तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा 1/ε0, ठीक है। तो आप किसी भी चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही वहाँ पता कर सकते हो। क्यू की जगह 1 कूलम्ब रख दो, ε0 की वैल्यू आप लोगों को पता है 8.854×10−12, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 10^11 जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है 1 कूलम्ब चार्ज में से निकलती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि किसी भी चार्ज में से इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। अभी हम लोग और देखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक चार्ज बड़ा है दैट इज़ 10 कूलम्ब और दूसरा चार्ज छोटा है दैट इज़ 2 कूलम्ब, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है, ठीक है। बच्चों हमें ये पता है कि न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत है और इसमें कम ताकत है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा आगे तक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी ऐसा, तो आप इसके कर्वेचर को फॉलो करके बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया न्यूट्रल पॉइंट। अगर दोनों -10 कूलम्ब और -2 कूलम्ब होता तो भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होती है, बस डायरेक्शन जो है एरो का अंदर की तरफ होता, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि अगर एक चार्ज मैग्नीट्यूड में कम है दूसरा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, जैसे ये +10 कूलम्ब है और ये -2 कूलम्ब है, इस केस में जो छोटा चार्ज है वो ये -2 कूलम्ब है। बच्चों अगर ये -10 होता और ये +2 होता तो भी छोटा यही होता, हमें हमेशा मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो छोटे चार्ज की तरफ होता है और बाहर की तरफ, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी और माइनस की अंदर होगी, तो यहाँ सेंटर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती, न्यूट्रल पॉइंट इधर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनानी है बच्चों, पहले तो जो है आप प्लस से माइनस की तरफ एक बना दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ट शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है छोटे चार्ज से, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड में छोटा होता है जैसे -2 कूलम्ब है, वहाँ से आप जो है हार्ट शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना लो, जो कि आप नॉर्मली
बुक वगैरह में बनाते रहते हो इस प्रकार से। और फिर एक इलेक्ट्रिक फील लाइन को आप ऐसे करके इधर साइड आगे भेज सकते हो, यहाँ से भी ऐसे करके आगे भेज सकते हो, और ये पॉइंट को आप न्यूट्रल पॉइंट बता दोगे, इसके लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग इधर इलेक्ट्रिक फील लाइन्स ऐसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और एरो बनाना ना भूलें, तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील लाइन्स इस प्रकार से होती है और न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे होता है। तो हमने हर एक केस में न्यूट्रल पॉइंट देखा बच्चों, डाइपोल में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़ीरो होती है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे एंटर और इमर्ज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बार जेई में आ चुके हैं, और इस बार बोर्ड में जो है डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आया था, और किसी जो है एक सेट जो था उसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे बोर्ड हो या चाहे जेडब्ल्यू हो, और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो, और दूसरा द एंटर और इमर्ज परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर। तो कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक आइसोलेटेड चार्ज है प्लस क्यू, और इसके बाजू में यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर रख दिया है, तो बट ऑब्वियस है चार्ज इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में, जो प्लस है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब माइनस चार्ज इधर आएगा तो इधर साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें बनानी है तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली इमर्ज होगी, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ऐसे बना दो, ठीक है, प्लस चार्ज में से, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलरली एंटर करनी चाहिए, तो आप जो है इस प्रकार से परपेंडिकुलरली एंटर करवा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है, इसके बाजू में एक मेटल है, कंडक्टर है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड्स ना होकर थोड़ी चेंज हो रही है, और फिर बाद में तो आप इस साइड ऑलमोस्ट जो है ऐसे कर सकते हो। तो इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज और अगर कंडक्टर बाजू में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं बनाई है, बिकॉज इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है। दो रीज़न है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस एंड नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है, पहले तो, क्योंकि जो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज़ अ पाथ ऑन विच अ पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, तो अगर पॉजिटिव चार्ज जो है किसी पाथ पर मूव कर रहा है तो वो जंप तो करेगा नहीं बीच बीच में, तो अगर जंप नहीं करेगा तो कंटिन्यूस रहेगा पाथ। और दूसरा, ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ये जो है एक किसी पॉइंट से इमर्ज होंगे दूसरे पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाएंगे, तो क्लोज लूप वगैरह फॉर्म नहीं होता है। पर बच्चों हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं, अगर हम लोग EMI चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप, ये फॉर्म करती है। और इसके ऊपर भी JEE एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है या JEE मेन में क्वेश्चन आ चुका है कि क्लोज लूप गिवन थे और पूछा था कि ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का है या नहीं दोनों, तो उसमें स्टूडेंट्स ने, क्योंकि उनको ये स्टेटमेंट पता था कि नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, तो वो ऑप्शन टिक नहीं किया था, जबकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो क्लोज लूप फॉर्म करती है।
और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होती है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अभी आप लोग हो सकते हैं इतना समझ में ना आए, पर जब आप लोग जो है ईएमआई वगैरह पढ़ लोगे उसके बाद इस पॉइंट को रीड करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्लोज लूप के फॉर्म में होती है। ठीक है, और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली एंड रिपेल लेटरली। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से और यहाँ से आमने सामने से आ रही है तो वो एक दूसरे को रिपेल करके निकल जा रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिपेल लेटरली, मतलब साइड से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अलॉन्ग द लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैं यहाँ पे और बना सकता हूँ, तो यहाँ पे उनका रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, मतलब जो अलॉन्ग द लेंथ है उनके पास पास में जब आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे आमने सामने से जब आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिट चार्ज में और मे नॉट मूव ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पे हम लोग जब डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो लाइन्स है जहाँ पे यूनिट चार्ज मूव करता है, पर अब उल्टा कि अगर हम यूनिट चार्ज को फ्रीली छोड़ देंगे क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर मूव करेगा, तो इसका आंसर है मे और मे नॉट। कैसा है देखो, ध्यान से सुनना। अब हमें पता है कि जैसे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलरेडी ऐसे है, मान लो, ठीक है, हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जो अगर डाइपोल है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो अगर मैं प्लस वन चार्ज को यहाँ रखूँगा तो वो हमेशा मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा मे और मे नॉट, तो मे किसके लिए कब मूव करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है और मैंने पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर मूव करेगा, पर अगर कर्व्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पे तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो कर्व्ड है, और अब यहाँ पे अगर आप प्लस वन चार्ज को रखोगे तो वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाएगा, मतलब वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, वो ऐसे मूव नहीं करने वाला, समझ रहे हो। तो अगर आप ये सोचोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनाई, तो वहाँ पर हमने जो है जैसे ये प्लस वन चार्ज रखा, वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाते समय क्या हुआ था कि जैसे प्लस वन चार्ज है वो अगर इधर मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन, फिर इधर रखा वो अगर मान लो इधर साइड मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन, फिर यहाँ रखा ऐसे। तो इस प्रकार से जो है जैसे बार मैग्नेट की फील्ड लाइन्स होती है वैसे ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई जाती है। ठीक है, और ये सब इमेजिनरी। तो अगर स्ट्रेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो प्लस चार्ज हमेशा उस पर मूव करेगा, पर अगर कर्व्ड होगी तो वो उस पर मूव नहीं करेगा, वो टेंजेंशियली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था। और लास्ट में हम लोग जो है फ्रिंजिंग इफेक्ट देख रहे हैं या फिर एज इफेक्ट भी कह सकते हो। अगर एक मेटल है जिस पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा मेटल है जिस पे माइनस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमें पता है कंडक्टर में जो है परपेंडिकुलर होती है, तो हम इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होती है। पर बच्चों एज इफेक्ट मतलब जो एजेस होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको हम लोग एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हम लोग जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ते हैं जिसमें एक मेटल पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो उसमें हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, पर सिर्फ यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बताया है कि फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप लोगों को जो है पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।